तू ही बता बुढ़िया, अगर तेरे को कोई ऐसा हाथ लगाएगा तो तू उसको क्या करेगी? हाँ, मारेगी कि नहीं उसको? दोस्तों, जिस तरह से बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसी तरह से सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी ने भी वर्ल्ड सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अक्षय सर की लक्ष्मी बॉम्ब, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म को दोस्तों 9 नवंबर के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑनलाइन रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई की है और साथ ही में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी आग लगा के रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और साथ ही साथ जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म को अब ब्लॉकबस्टर का टैग मिला है या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म सुपर हिट तो हो ही चुकी है और हेटर्स की बोलती भी बंद करा चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म का अभी तक का कलेक्शन कितना हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का डायरेक्शन तमिल के जाने माने डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने किया है। ये फिल्म दोस्तों साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंचना की ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया या यूं कहे कि बॉलीवुड की मिनी फिल्म इंडस्ट्री अक्षय कुमार सर, ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी, शरद केलकर, राजेश शर्मा, वनुऋषि चड्डा और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स नजर आए हैं। तुषार कपूर और शबीना खान के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली इस फिल्म का जो बजट है वो मात्र 60 करोड़ रुपए का है, जबकि दोस्तों इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 125 करोड़ रुपए की प्राइस में पहले ही खरीद लिया था और इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही सुपरहिट हो चुकी थी। लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, जहां पर इस फिल्म को अपने पहले दिन तो 90 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और अपने दूसरे दिन इस फिल्म को लगभग 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो 2 दिनों का व्यूज काउंट है वो 150 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है, यानी कि 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अक्षय कुमार सर की इस फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और दुनिया भर में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं रही, एवेंजर्स ले लो या फिर कोई भी फिल्म ले लो, जिसने कि अपने रिलीज के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया हो। इसी के साथ दोस्तों अक्षय कुमार सर की इस फिल्म का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कलेक्शन है वो लगभग 210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को फॉरेन कंट्रीज के कई सारे बड़े सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 18 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अक्षय कुमार के स्टारडम की वजह से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी काफी अच्छी कमाई की। हालांकि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले। कुछ लोगों ने तो दोस्तों इस फिल्म की नेगेटिविटी फैलाने की भी खूब कोशिश की, लेकिन अक्षय कुमार के स्टारडम को देखते हुए और उनके फैंस फॉलोइंग को देखते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है और अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 16 करोड़ 40 लाख रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हो चुका था 34 करोड़ 40 लाख रुपए का। आज इस फिल्म को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन है और अपने तीसरे दिन भी ये फिल्म काफी शानदार और धमाकेदार कमाई कर रही है और इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। बताते चले दोस्तों आपको कि कल से ये फिल्म दुनिया भर के कई सारे और देशों में भी लग जाएगी और वहां पर भी ये फिल्म शानदार कमाई करने वाली है, जिसमें थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और भी कई सारे देश शामिल है। तो दोस्तों अभी तक तो सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म ने 210 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर इस फिल्म को डायरेक्ट सिनेमाघरों में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज किया जाता तो इस फिल्म का कलेक्शन कितना होता? क्या ये फिल्म 400 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया में कर पाती? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।